कैसी चल रही है आपकी ग्राफ्स की प्रिपरेशन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसमें आने जा रहा है लाइन ग्राफ, और लाइन ग्राफ कई बार काफी मुश्किल पेश कर सकता है। अगर आप अच्छे से एक लाइन ग्राफ लिखना सीख जाते हैं देन आई मस्ट से कि आपने आधा रास्ता कवर कर लिया, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में स्ट्रगल करते हैं। और एक अच्छा टास्क वन, और वो भी अगर लाइन ग्राफ और एक मैप अगर आपको लिखना आ जाए तो आप सर्टनली कॉन्फिडेंट फील करेंगे फॉर योर रियल आईएएस टेस्ट। आइए देखते हैं कि आज हम ये कौन सा टास्क करने जा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हर वीडियो की तरह मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन, कैटेगराइज कैसे करना है इंफॉर्मेशन को, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, किस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें कंसिडर करूंगा। उसके बाद आपके लिए थोड़ा टाइम रहेगा कि आपको ये सैम्पल आंसर लिखना है, एंड इन द लेटर हाफ ऑफ दिस वीडियो यू वुड फाइंड द सैम्पल आंसर, और आप अपने वर्क को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं ये डिवाइस अपने हाथ में ले लेता हूं, जिसमें मेरे पास ये ग्राफ की फोटो है, ऑफ कोर्स यहां पर आपको ये नजर आने लगी है, और ये किस बारे में है पढ़ देता हूं। द ग्राफ बिलो शोज द वीकेंड वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स एक्टिविटी ऑन द टोरंटो मेट्रो सिस्टम फॉर July 2007। अगर डेट स्पेसिफिक, अगर ईयर डिफाइन है, तो वहां से हमारा टेंस डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इट्स पास्ट इंफॉर्मेशन, सो हमारा टेंस जो है वो डेफिनेटली पास्ट का रहेगा। बात किस चीज की है, वीकेंड है या वीकडे है? वीकडे मतलब मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे। जब भी कोई ट्रेवल करता है टोरंटो में मेट्रो पर, तो एक वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने रहते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम पर या स्टेशन पर, इस चीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। व्हाट वी सी, नंबर ऑफ पीपल इन थाउजेंड्स है, मतलब ये 100, 200, 300, 500, ये इसको हम 1000 कंसिडर करके चलेंगे, लाइक 500,000, दैट इज ऑलमोस्ट 500,000। और यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि बॉटम पे इसको बोलते हैं एक्स एंड वाई एक्सेस। सो यहां पर हमें क्या नजर आ रही है कि 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये सर्विस रहती है, तो इसे आप ओवरऑल भी कंसिडर कर सकते हैं कि द सर्विस रिमेन ऑपरेशनल बिटवीन 6 to 10 PM, 6 AM 10 PM इन बिटवीन। आप क्या क्या कंसिडर करते हैं उस चीज को हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग आवर्स में सबसे कम है, सबसे कम मतलब ओनली 100,000 पैसेंजर्स आपको यहां पर नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही इन नेक्स्ट 1 or 2 hours आपको दिखता है कि यहां पर ये मैंने ट्रेंड आपको सिखाए थे सबसे पहले कि लाइन कैसी है, ऐसे मूव कर रही है या ऐसे मूव कर रही है, अगर 90 डिग्री के बहुत पास का एंगल है जो ये है, शायद ये हमने Lecture 2 में सीखा था, तो उसी हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं। रैपिडली इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं रॉकेटेड, सोर, राइट। तो इन वर्ड्स का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये बढ़के कितना हो जाता है, 400,000, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं 4 times increase, 4 times। और तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अगर 7 बजे जो 2 गुना हो जाता है 200, इसे प्लीज अवॉइड कीजिए। अब हर एक आवर के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हर एक बारे में बताएंगे टास्क रिपीटेटिव मोनोटोनस लगेगा, और द सेम टाइम इसका जो वर्ड लिमिट है एक्सीड कर जाएगा 170-175, जो एक आइडियल लेंथ है, और जिसकी वजह से आपका टाइम भी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट होगा। तो पहले 6 बजे से सीधा चलेंगे हम 8 बजे तक, 8 बजे के बाद कहेंगे 10 बजे तक इसमें कंटिन्यूअस क्या आती है, फॉल आती है। वर्ब्स आपको कौन सी यूज करनी है ये भी हम पिछले ट्यूटोरियल में सीख चुके हैं, फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, ये सब सिनोनिम्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आप नोटिस कीजिए इन बिटवीन 10 to 3 PM इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, हल्का सा बढ़ता है, या आप कह सकते हैं कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक इसमें थोड़ा सा मार्जिनल ग्रोथ होता है, और उसके बाद ये स्टैटिक रहता है। फिर 2 बजे के बाद वंस अगेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स ड्रामेटिकली डिक्रीज कर जाते हैं, एंड कौन से नंबर पे आ जाते हैं, एज एट द मॉर्निंग 6 AM आवर्स, या एज द इनिशियल नंबर, मतलब इतना ड्रॉप कर जाते हैं कि जो आपको मॉर्निंग 6 AM नजर आ रहा है वो नंबर एक बराबर हो जाता है। लेकिन वंस अगेन
रेपिटेशन है। यहाँ पर पहले भी ऊपर गया, नीचे आया, फिर आया ऊपर, फिर नीचे गया, और ये फिर ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर फिर एकदम से ऊपर जा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और वंस अगेन आई वुड से इन बिटवीन जो 5 बजे का टाइम है इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, सीधा कहेंगे कि 6 बजे ये फिर से कितने हो जाते हैं, 400,000। और उसके बाद जैसे जैसे सर्विस क्लोज टू दी टर्मिनेशन टाइम दैट इज 10 PM तक पहुंचती है, ये नंबर रिड्यूस होकर फिर बहुत कम हो जाता है। मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई थी, मैंने ये कहा था कि जहां पर भी नंबर बिल्कुल कम वाला है और जहां पर नंबर बहुत हाई वाला होता है वहां पर लोएस्ट एंड पीक पॉइंट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को नोटिस करें, अगर आप ट्रैफिक की दुनिया को समझते हो, तो सुबह के मॉर्निंग में और इवनिंग के जो टाइम में आपको 1-2 घंटे ट्रैफिक दुनिया में बहुत ज्यादा नजर आता है, चाहे आप छोटे सिटी में चाहे बड़े सिटी में। इनको बोलते हैं पीक आवर्स, जब दुनिया काम पे जा रही है और जब लोग कम्यूट करके वापस अपने घर पहुंच रहे हैं। तो यहां पर आप इसे अपने ओवरऑल में कंसिडर कर सकते हैं कि थ्रू आउट द डे इसमें फ्लक्चुएशन नजर आती हैं, लेकिन पीक आवर्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स इस मेट्रो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स ये ओवरऑल में आप चाहें तो प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पास्ट इनडेफिनिट थ्रू आउट आप यूज करके बताएंगे कि ये हुआ, बढ़के इतनी हो गई, इसके बाद इतनी कम हो गई, फिर इतनी हो गई। लेकिन यहां पर क्योंकि एवरी वीकडे की बात हो रही है तो यहां पर मेक श्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, बट मेकिंग श्योर कि आपके जो टेंस हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें कि एक बार आपने पास यूज कर लिया उसके बाद प्रेजेंट यूज कर रहे हो, फिर से पास में आ रहे हो, फिर से प्रेजेंट में यूज कर रहे हो। कोई एक श्योर करके चलो और पूरी एक्सप्लेनेशन उसके साथ करो। मूविंग टू डिटेल्स, प्रोबिंग फर्दर, गेटिंग मोर इन टू डिटेल्स, ये सारे कनेक्टर्स आई बिलीव अब आपने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं एंड डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो अभी ये कंप्लीट कीजिए टास्क, मेक श्योर सीधा जंप करके सैंपल पे नहीं जाएंगे, और उसके बाद अपने सैंपल को मेरे दिए गए सैंपल के साथ कंपेयर कीजिए और फिर बढ़िए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें करेंगे एक नया टास्क टाइप। ओए यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या करूं यार, 3 बार IELTS एग्जाम दे दिया, अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है। कभी किसी मॉड्यूल में तो कभी किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह जाता है। तेरी भी वही प्रॉब्लम? अरे शायद तुझे पता नहीं है, मैंने भी 6 बार IELTS का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया। और फाइनली मुझे YouTube से रमनदीप सिंह सर के बारे में पता चला और मैं तो पहली वीडियो देख कर इम्प्रेस हो गई। और जब मैंने उन्हें कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग देते हैं। इवन उनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट है मोगा सिटी में, जो मैंने ज्वाइन किया था, और मैं तुझे भी रेकमेंड करूँगी कि तू वहीं पर ज्वाइन कर। अगर तू मोगा सिटी नहीं जा सकता तो तू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। अरे सच में क्या? फिर तो मैं रमनदीप सिंह सर को अभी कनेक्ट करता हूँ। हाँ, कर ले लेकिन मेरे से पहले कॉन्टैक्ट नंबर तो ले ले। ऑल द बेस्ट।